हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टाग्राम के मल्टीपल चैट्स को सिर्फ एक क्लिक में डिलीट कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने इंस्टाग्राम के सारी चैट्स को डिलीट करना चाहते हो सिर्फ एक क्लिक में, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। आज के इस वीडियो में आपको लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूं, जिसकी मदद से आप सिर्फ एक क्लिक में अपने इंस्टाग्राम के सारी चैट्स को डिलीट कर सकते हो, परमानेंटली खत्म कर सकते हो। कैसे करेंगे, बस छोटा सा प्रोसेस होगा, छोटी सी वीडियो होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर दबा देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सब कुछ लाइव सीख लेते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और अपने होम पेज पर आ चुका है। मेरे इंस्टाग्राम का होम पेज जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको अपने इंस्टाग्राम चैट्स में लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम चैट्स में आ चुका हूँ, मैसेज में। जैसे कि मान लो मुझे सारी चैट्स को, मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चैट्स हैं, ठीक है, जिन सारी चैट्स को मुझे डिलीट करना है। अगर जैसे मैं चैट्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन अगर एक एक करके मैं सारी चैट्स को डिलीट करूँगा तो पूरा महीना निकल जाएगा, लेकिन चैट्स डिलीट नहीं होंगे। अब मुझे सिर्फ सारी चैट्स को सिर्फ एक क्लिक में डिलीट करना है। कैसे डिलीट करोगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इंस्टाग्राम पर कितनी भी चैट्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जितनी चाहूँ उतनी चैट्स को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 10 चैट को सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। 10 चैट्स को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिलीट करने का, डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मैं कितनी भी चैट्स को सिलेक्ट करके सिर्फ एक क्लिक में डिलीट कर सकता हूँ। अब देखो, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये ऑप्शन आपके में कैसे आएगा, बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। देखो, सबसे पहले मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा देता हूँ, जो कि इंस्टाग्राम पर चैट्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। ये ऑनली प्रोफेशनल अकाउंट पर आ रहा है, देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाओगे, बस वीडियो को कंटिन्यू देखना। ये तो मेरा ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट है, मैं अपना दूसरा अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ और उसको मैं आपको प्रोफेशनल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपना दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन कर लिया, टेक्निकल फोजाबादी वाला, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट है, ये प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपल में आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सिंपल में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, आप इसको ऊपर की साइड में आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अकाउंट टाइप एंड टूल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन आ रहा है अकाउंट टाइप एंड टूल्स, सिंपल में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, देख सकते हैं ऑप्शन है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने इंटरफेस आए गेट प्रोफेशनल टूल्स। और आपको क्या करना है, ओनली आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू आपको कर देना है। अब आपके सामने आए, आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफेशनल अकाउंट की कैटेगरी क्या रखना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं, आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा आर्टिस्ट लिखा हुआ आता है, किसी के ब्लॉगर आता है, किसी के डिजिटल क्रिएटर आता है। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कर लिया डिजिटल क्रिएटर, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने इंटरफेस आएगा डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल पर लोगों को शो हो कि आप डिजिटल क्रिएटर हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को पता चले, तो मैं आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना। सिंपल में आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, ऑन कर दिया। उसका नीचे आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन पर क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप वेट करोगे 5 सेकंड का, उसके बाद अब आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आएगा यू आर ए क्रिएटर, आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएटर अकाउंट बना रहे हो फिर बिजनेस अकाउंट। भाई आपको क्या करना है, क्रिएटर वाला सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर सेट अप योर प्रोफेशनल अकाउंट। आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप करना है। सेटअप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है। फर्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हो जिनको आप फॉलो करना चाहो, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको दूसरी कर देनी है, तीसरी कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको बैक कर लेना है। आप देख सकते हैं ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जिस पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे आपको सुने होने लगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड। अब इसी प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हो, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। मैं अपने होम पेज पर आ चुका हूँ। अब आपको जाना है चैट्स में। जैसे आप चैट्स के सेक्शन में आओगे तो आपको क्या करना है, देखो जैसे अगर आप चैट्स पर क्लिक करोगे, मैंने चैट्स पर क्लिक कर दिया,
दिया तो यहाँ पर तो ओनली डिलीट का ऑप्शन आएगा, एक डिलीट करने का, पर आपको सारी चैट्स को डिलीट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक साइड आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला देख सकते हैं, एक ऑप्शन आएगा, सिंपल में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा, ये ओनली प्रोफेशनल अकाउंट पर आता है, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया। अब आप कितनी भी चैट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर इतनी चैट्स को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ओनली आपको डिलीट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे पूछेगा डिलीट, आप कितनी भी चैट्स को सिर्फ एक क्लिक में डिलीट कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं ये सारी चैट्स यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। सो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी मल्टीपल चैट्स को डिलीट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।